अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे केवल एक दो वीडियोस देखकर ही डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस चैनल के एक दो वीडियो देखे कि अब उनके लिए क्या करना सही रहेगा। तो भाई आपका एक गलत तरीका है, ऐसे नहीं होता। कि अगर आपकी नॉलेज कम है आईटीआई के प्रति, तो समझदारी यही है कि अगर आपको मेरे समझाने पे या मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे भरोसा है, तो बेटर यही है कि बजाय एक दो वीडियो देखकर जजिंग करने से बेटर है आप प्रॉपर उस इस चैनल पे के वीडियोस वाले कॉलम में जाके डिटेल में वीडियोस देखें। आपका मैं मानता हूँ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको उंगली नीचे ऊपर करनी पड़ेगी। तो वीडियोस वाले कॉलम में जाएंगे तो तकरीबन वहाँ पर 200 वीडियो के आसपास हो चुकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक बार भी आप ध्यान से निगाह मार के उसके थंबनेल और उसकी हेडिंग पढ़ते चले जाएँ, तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि इस चैनल में किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनी हुई हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी किसी एक उसमें टॉपिक में होगी, तो वहां पर आप समझ जाओगे, यार यार मैं मेरे सामने ये सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर वीडियोस थी यार, मैंने वहां देखी थी। तो वहां जाके आप उससे रिलेटेड अगर 5-6 वीडियो वहां पर थी, तो आप उसको सारी देख के तब आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि आपके आपके लिए क्या करना सही रहेगा। तो सबसे पहला जो आपको काम यही करना है कि अगर आप इस चैनल से बेस्ट नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, कि एक दो वीडियो मत देखें, वीडियोज़ वाले कॉलम में जाएं, वहाँ पर डिटेल में वीडियो ढूंढ लें। उसके बाद आपसे अपने से रिलेटेड सिचुएशन के हिसाब से वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन करने की सोचें। इसके अलावा वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एक बार उसमें भी घूम आएँ, वहाँ भी फिर आएँ, क्योंकि एक बार वहाँ भी देखेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग वीक है, तो वहाँ पर मैंने अच्छे खासा 10-12 वीडियो का पूरा कलेक्शन रखा हुआ है। तो उसमें मैंने इवन ये भी लिखा हुआ है कि वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। इट मीन्स अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में जीरो पता है, तब भी आप वहाँ वीडियो नंबर 1 देख के जो मैंने सिखा रखा है वो करें, प्रैक्टिस कर लें। फिर वीडियो नंबर 2 देखें, जो उसमें सिखा रहा हूँ सेम आप खुद प्रैक्टिस कर लें। ऐसे करते 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 लास्ट अगर आपने वो सारी वीडियो कवर कर ली और वो सारी ड्राइंग बना ली, तो भाई आप अच्छे से ड्राइंग बनाना सीख लेंगे केवल उस प्लेलिस्ट में जाके देख देख के बनाते हैं। तो दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो ही आपको बेस्ट बेनिफिट होगा इस चैनल का या मेरा। इसके अलावा एक बात और समझें कि भाई जो मेरा मेरी लाइफ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पॉलिटेक्निक करी यानी इंजीनियरिंग लाइन में था, फिर मैंने 5 साल प्राइवेट जॉब करी तब भी इंजीनियरिंग लाइन में था, एज अ क्वालिटी इंजीनियर कह लें जैसे भी। उसके बाद फिर अब मैं आईटीआई में टीचर की पोस्ट पे हूँ, 8 साल से पढ़ाते हुए मुझे समय हो गया। तो कुल मिला के मेरी मेरी पूरी लाइफ एक तरह से इंजीनियरिंग लाइन में निकल चुकी है, टेक्निकल लाइन में बीत रही है, और जो मेरी मैं जो मरूंगा वो भी मैं इंजीनियरिंग लाइन में ही मरूंगा। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा अनुभव है उससे आप सीख सकते हैं। तो वहां पर केवल एक वीडियो देख के आप कैसे जज करेंगे कि जो आप है आप क्या बेटर करेंगे। और एक ये भी उम्मीद मत कीजिए कि मैंने एक मेरी एक आपने एक वीडियो देखी और वहां से आप कमेंट बॉक्स में आके पूछते हैं भाई मेरे लिए क्या करना बेस्ट रहेगा। तो ये भी एक बड़ी ऐसा क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि भाई मुझे क्या पता कि आपकी जो घर की सिचुएशन है कैसी है। 1000 चीज़ें होती हैं जिसको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद जाके कोई डिसीजन बनता है। तो उसके लिए आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप चैनल में आएँ तसल्ली से, बिना जल्दबाजी के। जब आप फ्री हों तब आएँ, वीडियोज़ की सीरीज़ में जाएँ, वहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखें कितने से ज़्यादा हैं, और उनको देखते चले जाएँ। फिर जाके थोड़ी मेहनत आपकी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपकी नॉलेज मेरे मतलब चैनल की जितनी वीडियो है उसके हिसाब से हो जाएगी। फिर आपका डिसीजन लेना सही हो जाएगा कि आपके गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि जो भी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस देखते हैं, कि भाई उनका एक्सपीरियंस भी उस लाइन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने 4 वीडियोस डिफरेंट देखी और उसको मिला के वो एक वीडियो बना दे रहा है, उसका एक्सपीरियंस वहाँ नहीं है, वो खुद स्टूडेंट है। तो हालांकि मेरी शक्ल देख के भी ऐसे लगता है कि मैं आईटीआई का स्टूडेंट हूँ, और कई बार टीचर जो फोरमैन वगैरह होते हैं, जो मैं एज अ ज्वाइन होने गया था तो ऐसे ही मानते थे कि भाई स्टूडेंट है। अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को लगता है मैं अगर मशीन पे काम कर रहा हूँ कि अरे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह मेरे से बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मेरी शक्ल दिखने में ऐसा हो सकती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, 36 साल का मैं हो चुका हूँ, और आईटीआई में पढ़ाते हुए 8 साल हो गए। तो भाई दाढ़ी भी इसलिए रखनी पड़ती है कि भाई अगर शेविंग कर लो तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें ही है यार। अगर मेरी कुछ बात कह रहा हूँ तो उसको मेरा एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, और मैं जिया भी इसी लाइन में हूँ और मरना भी मैंने इसी लाइन में है। तो ऐसी एडवाइस वाले चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे। हाँ हैं, और भी हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कम है। तो अपने आप चूज ही बने, हर एक की बात को विश्वास मत कर लें। आप ज़रूर देखें उसका बैकग्राउंड, ज़रूर देखें कि जो वो चैनल बना रहा है उसका बैकग्राउंड खुद का क्या है। अगर वो खुद आईटीआई केवल पास है या फिर दूसरे चैनल को देख के उस जस्ट कॉपी करके बनाना, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। इसके अलावा क्वेश्चन पूछने से पहले मेरी गुजारिश है, आप वीडियोज़ की सीरीज़ में जाएँ, सारी वीडियोज़ छान लें
और वो वीडियोस देखें, फिर भी आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाए, आपको उसका जवाब नहीं मिला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, तब जाके मेरे से क्वेश्चन पुट करें। क्योंकि अब आप सोचें कि आपने एक वीडियो देखी, आपके मन में क्वेश्चन आया और आपने वहां पर क्वेश्चन डाल दिया। अब इस तरह से इमेजिन कीजिए, एक वीडियो डालने के बाद 250-250 कमेंट्स मेरे पास आते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके जवाब में मैं भाई कितना लिख लूंगा, मैं कम से कम शब्दों में उसको निपटाता हूँ। भाई मेरी मजबूरी हो जाती है कि भाई मैं ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने गया तो 250 मेरे से कमेंट छूट जाएंगे, फिर लोग शिकायत करते हैं कि सर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। तो भाई ये भी बहुत बड़ी वजह है कि एक वीडियो डालने के बाद 250 कमेंट्स आने में और उनका जवाब देना आसान काम नहीं है। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे चैनल आप उठा के देख लीजिए, उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके देख लीजिए, उन गलती से भी रिप्लाई वापस नहीं आता। लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ, लेकिन उसमें समय लगता है और हर एक के जवाब देने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि यार क्वेश्चन करो, जरूर करो, लेकिन पहले वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। उसका बेनिफिट ये होगा कि यार आपके अच्छे खासा आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, वो ज़्यादा बेटर है। फिर भी आपको जवाब ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता मिले, क्योंकि मैं पहले ही सारे वीडियो कवर करते चला हूँ। एनी हाउ, अगर आपको जवाब वहाँ पर ढंग से नहीं मिला, तब आके क्वेश्चन आप मेरे से पूछें और ज़रूर बोलें कि यार देखो मैंने आपके हिसाब से मैंने वहाँ गया, इस टॉपिक मैंने वीडियोज़ ढूंढी और मुझे उसमें ये वीडियो मिली, तब भी अब मेरे क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मिल पाया, तब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको कहूंगा ये सल्यूट है भाई, आप अगर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे भी बहुत खुशी होगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना हो। अगर जरूरत पड़ी उसके बाद तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। इसके अलावा भाई जो वीडियोज़ आपको पसंद आती है उसको शेयर भी जरूर करो। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं फालतू की जो ये है ना कि भाई इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, इस तरह की वीडियो बातें मैं बहुत कम करता हूँ या नहीं करता हूँ। उसकी वजह से वजह यही है कि आपका आपकी जो टाइम की अहमियत है, मेरे टाइम की अहमियत है कि अगर आप समझदार हैं, अगर आपको वो वीडियो पसंद आएगी या फिर उसमें आपको लगेगा कि भाई शेयर करने लायक है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, तो इसीलिए मैं कभी बोलता नहीं। लेकिन कभी कभी रिमाइंड कराना भी ज़रूरी है कि भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें चैनल ग्रो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर चैनल ग्रो नहीं होगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मेरा इंटरेस्ट भी उस हिसाब से उतना नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं और बढ़िया बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लेके आऊँ, तो उसके लिए ये एक जिम्मेदारी आपकी हो गई कि भाई अगर कोई वीडियोज़ अच्छी लग रही है उसको आप शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियोज़ जो आती हैं उसको लगातार ज़रूर देखें और ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ में कुछ भी होना, हमेशा पहले प्लानिंग है फिर एग्जीक्यूशन है। यानी कोई भी काम, कोई भी चीज़ अपने आप लाइफ में घटित नहीं होती है, केवल आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके उसके रिजल्ट आएंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप ITI करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, BTech करने की सोच रहे हैं या किसी भी लाइन में जाने की सोच रहे हैं, तो पहला जो बड़ा काम है वो है प्लानिंग वाला पार्ट। यानी प्लानिंग करने में, सोचने समझने में वहाँ पर समय लें, अच्छे से एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी कोर्स में या किसी फील्ड में कोई कोर्स करने जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ ज़्यादा बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।